हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित, और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे एल क्लासिको बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, द बिगेस्ट मैच इन यूरोपियन फुटबॉल। और इस मैच में हम डिस्कस करेंगे द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन जो आप बना सकते हैं। बट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन इलेवन। सो विजन इलेवन को डाउनलोड करिए, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गो चेकआउट विजन इलेवन नाउ। चीफ गेस्ट चिन्मय, हाँ मुझे ही बुलाया है। तूने क्या किया? विजन 11 पे टीम बनेंगे। ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड, रुतबा सेम रहेगा। डाउनलोड विजन 11। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। और ऑफ कोर्स मैं अकेला नहीं हूँ इस वीडियो में, मेरे साथ हैं राहुल, मेरे कलीग एट व्यू स्पोर्ट। राहुल, आर यू एक्साइटेड अबाउट एल क्लासिको? वेरी एक्साइटेड रक्षित, जैसे कि आपने बताया बिगेस्ट मैच इन वर्ल्ड फुटबॉल करेंटली एंड इट डज नॉट गेट बिगर देन दिस। एंड स्पेशली जो स्टेक पे है इस मैच पे फॉर अ सर्टेन टीम जिसके बारे में आप और मैं जरूर बात करेंगे, आई डोंट थिंक इट गेट्स बिगर देन दिस। It does not get bigger because, as you said, the stakes are high, especially for Real Madrid. क्योंकि राहुल वो 9 पॉइंट पीछे है बार्सिलोना के लिए इन द लीग टेबल। एंड राहुल, आई थिंक इट्स सेफ टू से कि अगर मैड्रिड ये मैच नहीं जीतती है, दे आर आउट ऑफ द टाइटल रेस। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इवन अ ड्रॉ भी मैड्रिड के लिए काफी नहीं होगा बिकॉज इसके बाद 12 गेम रह जाएंगे, 9 पॉइंट्स आई डोंट थिंक मैड्रिड कवर कर पाएगी। और स्पेशली जो फॉर्म में बार्सिलोना है लीग में, डिफेंसिव रिकॉर्ड की तो बात हम बाद में करेंगे, बट अदरवाइज ऑल्सो जो कंसिस्टेंसी दिखाई है आई डोंट थिंक मैड्रिड कवर कर पाएगी गैप अगर आज नहीं जीते तो। बिल्कुल, बार्सिलोना ने राहुल एक गोल कंसीड किया है एट होम ऑल सीजन इन द लीग, वन गोल, दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन। सो डिफेंसिव रिकॉर्ड इज एब्सोल्युटली क्रेजी। ऑल्दो यूरोप में आपको पता है कि उनका जो फॉर्म रहा है वो सेम नहीं रहा है, एंड आई वुड से कि जो टीम्स यूरोपियन लेवल पे खेलती है उनके अगेंस्ट वो आई थिंक रियल मैड्रिड के कैलिबर की टीम्स हैं। तो आई फील कि इस मैच में रियल मैड्रिड हैव अ गुड चांस ऑफ स्कोरिंग। बार्सिलोना का जो डिफेंस है, एक्सपेक्टेड नंबर सजेस्ट करता है कि दे शुड हैव कंसीडेड मोर गोल्स, बट उन्होंने इतने नहीं करे। बट स्टिल अगर आप स्टैटिस्टिकली देखेंगे एज कम्पेयर टू अदर लालीगा टीम्स, बार्सा का डिफेंस इज एब्सोल्युटली इनसेन, स्पेशली जो उनका राइट हैंड साइड है विद कुंडे एंड अराउहो, वहां से तो आई थिंक बहुत ही कम गोल्स बार्सिलोना कंसीड करती है। और राहुल, एक और चीज पूछनी थी बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रोबेबल लाइनअप्स की, आपको लगता है कि जो मैड्रिड का डिस्ट्रैक्शन है यूरोप का, जो ऑब्वियसली वो चैंपियंस लीग में भी है, ये एक और रीजन है वाई बार्सिलोना आर स्टिल फेवरेट्स इवन अगर वो मैच हार जाते हैं आज टू विन लालीगा? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मैड्रिड का यूरोपियन डिस्ट्रैक्शन हमें पता है कि उनकी पेडिग्री भी है यूरोप में एंड दे वुड वांट टू मेंटेन दैट। और कल ही चैंपियंस लीग का ड्रॉ हुआ है, दे हैव चेल्सी इन द नेक्स्ट राउंड, कितना बड़ा मैच है आप भी जानते हो। आई थिंक पिछले 2 साल से अलग अलग राउंड्स में मैड्रिड वर्सेस चेल्सी भी हो रहा है एंड दे वुड वॉन्ट टू गेट वन ओवर ऑन चेल्सी अगेन, तो थोड़ा ध्यान उधर तो रहेगा। मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि अगर आज भी मैड्रिड जीत जाए उसके बाद भी आई विल नॉट से कि दे आर क्लियर फेवरेट्स इन द लालीगा टाइटल रेस। Absolutely. So, शुरू करते हैं with the two probable lineups of both these teams. Madrid have to win this match, of course. But शुरू करते हैं हम by looking at Barcelona का probable 11 for this match. Now, they will play most likely in a 4-4-2, which can morph into a 4-3-3 as well, depending on की गावी की positioning क्या है in the probable 11. But शुरू करते हैं राहुल with the defense. Ter Stegen has been absolute rock at the back. Araujo is someone जो बहुत impressive रहे हैं, especially one-on-one with Vinicius Junior. Koundé अपने सेंटर बैक रोल में, राइट बैक रोल में, दोनों में बहुत इफेक्टिव रहे हैं डिफेंसिवली। अगर आप बाकी बात करें तो बाल्डे हैज बीन अ वेरी गुड एडिशन, उनको अभी स्पेनिश टीम के लिए भी, नेशनल टीम के लिए कॉल अप मिला है, सो ही विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक बाल्डे इज परहैप्स द बेस्ट ऑप्शन उनके डिफेंस में। क्रिश्चियनसन इज ऑल्सो समवन जिन्होंने काफी सरप्राइजिंगली ही हैज स्लॉटेड इन रियली रियली वेल, और एक काफी अच्छा कोर है इनकी बैकलाइन का। सो मेरा सवाल आपसे ये है, कीपिंग ऑल दीज ऑप्शंस इन माइंड, कि अगर आपको इन सारे डिफेंडर्स को फैंटेसी वाइज रेट करना होगा 1, 2, 3, 4, तो आप कैसे रेट करेंगे? तो अगर मैं फैंटेसी वाइज बार्सिलोना के बैकलाइन में से डिफेंडर्स चूज कर रहा हूँ तो आई विल गो विद द मोस्ट अटैकिंग वन जो मेरे हिसाब से है, लेफ्ट बैक बाल्डे। पेसी डायनामिक लेफ्ट बैक है, आपको मतलब असिस्ट पोटेंशियल बहुत हाई देते हैं एंड ही ऑल्सो हैज आई बिलीव गुड डिफेंसिव नंबर्स, तो फर्स्ट पिक बार्सिलोना के डिफेंस रहेंगे बाल्डे। एंड इफ आई हैव टू चूज अनदर वन मैं अराउ चूज करूंगा। अराउ राइट साइड पे आपको मतलब डिफेंसिव जो सॉलिडिटी देते हैं और ये मैच में कंसिडरिंग द ड्रिबलिंग पोटेंशियल जो उनके सामने होगा आई थिंक टैकलिंग पॉइंट्स बहुत दे सकते हैं अराउ। बिल्कुल, और हम विनीशियस की बात बाद में करेंगे जब मैड्रिड की लाइनअप पे आएंगे, बट एब्सोल्युटली राइट, अगर मेरे को चूज करना होगा आई विल आल्सो गो फॉर बाल्डे, अराउहो, देन कुंडे एंड उसके बाद क्रिश्चियनसन। और मिडफील्ड में आते हैं यहाँ पे राहुल, नाउ ऑब्वियसली पीपल विल गो फॉर बार्सिलोना डिफेंडर्स, यू विल आल्सो गो फॉर लाइक मे बी फ्यू ऑफ देयर अटैकर्स, बट मिडफील्ड में आई थिंक राइट बार्सिलोना प्लेयर पिक करना इज वेरी वेरी क्रूशियल। यहाँ पे आई थिंक हमारे पास काफी ऑप्शन है। पहली चीज तो ये है कि पेड्री अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम अ बार्सिलोना पॉइंट ऑफ व्यू इज आउट इंजर्ड, सो इस मैच में नहीं खेलेंगे। बिग बिग ब्लो फॉर बार्सिलोना, उनकी जगह मोस्ट लाइकली खेलेंगे फ्रैंक कैसी है।
तो उनके साथ होंगे बुस्केट्स, जो ऑब्वियसली आपको काफी पासिंग पॉइंट्स दे सकते हैं, आपको डिफेंसिव नंबर्स दे सकते हैं, और फ्रेंकी डे योंग और गावी बेसिकली खेलेंगे ऑन, यू कैन से द नॉट एग्जैक्टली द फ्लैंक्स बट वाइडर पोजीशंस में, फ्रेंकी मोस्टली ऑन द राइट और गावी मोस्टली ऑन द लेफ्ट. सो अगर आप फैंटेसी वाइज रेट करें राहुल, सो डे योंग और गावी आर श्योरली द वंस टू गो फॉर, राइट? Absolutely. और De Jong, Gavi are way better options than Busquets and Kessie, because दोनों आपको थोड़ा एक assist और goal threat देते हैं, जो कि Kessie और Busquets इतना नहीं देते. और De Jong basically control करते हैं पूरे play को, तो passing में भी अच्छे खासे points आपको दे सकते हैं. बिल्कुल. I think Busquets को मैं फिर भी इतना dismiss नहीं करना चाहूंगा. मुझे लगता है कि he someone जो fit होते हैं, 90 minutes खेलते हैं at this level, उन्होंने Madrid के साथ कितनी बार match खेला हुआ है, एंड आई थिंक वो पासिंग और टैकल इंटरसेप्शन से ही आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं. बट हाँ, अगर अगर हाई स्कोरिंग मैच हुआ, जिसका आई वुड से डिसेंट चांस है कंसिडरिंग मैड्रिड नीड टू विन, देन आई थिंक आप मोर अटैकिंग बारसा प्लेयर्स के लिए जा सकते हैं. और अटैक की बात करें, सो लेट्स गो विद द फ्रंट टू. उस्मान डेम्बेले इज स्टिल आउट इंजर्ड, सो राफिनिया एंड लेवेंडोव्स्की विल प्ले अप फ्रंट. नाउ पहले बात करते हैं राहुल लेवेंडोव्स्की की, बिकॉज आई थिंक काफी लोग इस मैच में विल बी लुकिंग टू कैप्टन हिम और वाइस कैप्टन हिम, बट मैं और आप इतने श्योर नहीं हैं उनके बारे में, राइट? राइट राइट, बिकॉज लेवेंडोव्स्की का रीसेंट फॉर्म, जैसे कि आपको पता होगा, फॉर्म इतना अच्छा नहीं है. जिस तरह के वो रिलायबल गोल स्कोरर थे प्रीवियसली, उतना अभी वो है नहीं रिलायबल गोल स्कोरर. तो उन्हें कैप्टन करना और इवन वाइस कैप्टन करना मेरे हिसाब से काफी बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि दिस मैच इज एक्चुअली क्वाइट ट्रिकी टू कॉल. गोल स्कोरर्स फ्रॉम द बार्सिलोना टीम वैसे ही बहुत ट्रिकी है प्रेडिक्ट करना, और लेवेंडोव्स्की को कैप्टन वाइस कैप्टन आई थिंक इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस मैच. काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि लेवेंडोव्स्की को कैप्टन और वाइस कैप्टन करना इज अ वेरी रिस्की थिंग. ऑब्वियसली इन दिस मैच आई थिंक यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. और अगर हम बार्सिलोना की बात करें, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन देखो तो एक नेल्ड ऑन कैप्टनसी ऑप्शन थे लेवेंडोव्स्की. बट आप खुद अगर नंबर्स देख लीजिए अपनी, खुद अगर आप रिसर्च करेंगे एज अ व्यूअर, सो वर्ल्ड कप के बाद जो लेवेंडोव्स्की के नंबर्स हैं, उनकी जो फॉर्म है, अगर आप वो देखेंगे, दैट विल टेल यू कि दैट्स द रीजन राहुल ने ये स्टेटमेंट बोली है. So obviously आप लेवेंडोव्स्की को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं. आई स्टिल फील ही इज वन ऑफ द मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर्स फॉर देम, बट आई थिंक वो इतने रिलायबल नहीं है जितने वो पहले थे बिफोर द वर्ल्ड कप. दैट इज आई थिंक द पॉइंट जो वी बोथ वांटेड टू मेक इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. उसके बाद बात करते हैं राफिनिया की वेरी ब्रीफली. नाउ ही समवन जो रिसेंटली क्रूशियल गोल स्कोर करे हैं एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट, जो 1-0 विन थी उसमें राफिनिया ने गोल स्कोर किया था. एंड आई फील कि धीरे धीरे राफिनिया बारसा मोल्ड में आ रहे हैं, उनका स्टाइल ऑफ प्ले में अडैप्ट कर रहे हैं. आई थिंक उस्मान डेम्बेले की इंजरी है, उन्होंने थोड़ा हेल्प किया है राफिनिया को, बिकॉज अदरवाइज ही वाज गोइंग इन एंड आउट ऑफ द टीम. और जावी ने क्लियरली आई थिंक डेमोंस्ट्रेट करा है कि उनको ये 4-4-2 या फिर 4-2-2-2 स्ट्रक्चर पसंद है, जो उनको डिफेंसिवली थोड़ी सॉलिडिटी देता है. दैट मीन्स की राफिनिया और डेम्बेले में से एक की जगह है. सो आई थिंक डेम्बेले की इंजरी ने राफिनिया को मेरे ख्याल से काफी हेल्प किया है, और मुझे लगता है ही कुड बी अ वेरी इंट्रीगिंग कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन इन दिस मैच एज वेल. राहुल, अब चलते हैं हम रियल मैड्रिड की प्रोबेबल 11 के लिए फॉर दिस मैच. नाउ यहाँ पे आई थिंक हमारे पास मोस्टली सेटल टीम है. एक आई थिंक सवाल ये है कि इसमें टोनी क्रूज खेलेंगे या नहीं, और कामाविंगा की पोजीशन क्या होगी. बट लेट्स स्टार्ट विद द आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट लाइन दिस टाइम, बिकॉज यहीं पे सबसे एक्साइटिंग ऑप्शंस हैं इस रियल मैड्रिड टीम के. विनीशियस जूनियर ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली खेलेंगे ऑन द लेफ्ट, बेंजेमा खेलेंगे इन द मिडल, और वैल्वर्डे अपने यू कैन से राइट रोल में या फिर मिडफील्ड में एक डीपर रोल में खेल सकते हैं. So, राहुल आपसे पूछना चाहूंगा कि आई एम नॉट श्योर आपका प्रिडिक्शन क्या है, बट इवन इफ लेट्स से मैड्रिड इस मैच में हार जाती है, बेंजेमा इज स्टिल आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट कैप्टेंसी कंटेंडर्स. वुड यू अग्री विद दैट? एब्सोल्युटली. मैड्रिड के मोस्ट लाइकली गोल स्कोरर है, पेनल्टी टेकर है और टैलिस्मैन है. तो अगर मैड्रिड स्कोर करती है, यू कैन बी प्रीटी सर्टेन कि बेंजेमा का उसमें गोल होगा या तो असिस्ट होगा. और जिस तरह से आई थिंक ही स्कोर्ड इन द लास्ट गेम आल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, Madrid has to go for the win. So I would see Real Madrid ki aake attack kare aur Benzema ke involvement kaafi chances badh jayenge us halat mein. Bilkul, matlab he just finds a way to score in especially the bigger matches. Big match player hai, proper definition of a big match player hai. Abhi Champions League mein dono mein Liverpool ke against goal mare. Obviously injuries se thoda struggle kar rahe hain, so he's not having the same season jo last season tha where he was scoring in every match. But I think agar is match mein is excellent Barcelona defense ko koi player hai jo penetrate karega, गोल स्कोर करेगा, तो वो हो सकते हैं बेंजेमा. अब आते हैं राहुल सबसे आई थिंक डिवाइसिव फिगर पे इन दिस मैच, नॉट ओनली आई वुड से मैच वाइज बट आल्सो फैंटेसी वाइज, क्योंकि इनके साथ क्या करना है बहुत लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और वो है विनीशियस जूनियर. नाउ इट इज वेरी वेरी क्लियर लास्ट 2-3 मैचेस से कि जावी ने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया है विनीशियस को कंटेन करने का, और वो ये है कि कुंडे और अराउहो का जो डबल अप होता है दैट इज नॉर्मली गुड इनफ टू कंटेन हिम. हमें पता है कि कुंडे संबंध जो राइट बैक भी खेल सकते हैं, सेंटर बैक भी खेल सकते हैं,
और अराउहो को भी राइट बैक खिलाया है जावी ने एट टाइम्स, ताकि वो विनीशियस की पेस के साथ या फिजिकलिटी से उनको रोक सके। सो मुझे लगता है राहुल कि मे बी विनीशियस की पोजीशन इस मैच में चेंज हो सकती है, मे बी वो लेफ्ट से राइट स्विच कर सकते हैं। ऑब्वियसली राइट पे वो मे बी शायद इतना इफेक्टिव नहीं हो जितने वो लेफ्ट में होते हैं, बट देर इज अ चांस कि एटलीस्ट वो लेफ्ट पे स्टार्ट करें फिर राइट में मूव कर जाए फिर लेफ्ट में आ जाए। मुझे लगता है थोड़ा डायनामिक रोल प्ले कर सकते हैं विनीशियस। सो एज अ फैंटेसी एसेट आप कैसे रेट करेंगे विनीशियस को पिक करना फॉर योर फैंटेसी टीम? Vinicius, देखो बहुत अच्छे एसेट है, बट ये मैच में हमारे पास आई थिंक अटैकिंग ऑप्शंस बहुत रहेंगे, स्पेशली फ्रंट लाइन में आपके पास रफीनिया है, आपके पास लेवेंडोव्स्की है, आपके पास बेंजेमा है, तो हाउ डू यू फिट इन विनीशियस जूनियर? प्लेयर की कैलिबर पे तो कोई डाउट है नहीं हमें, बट जस्ट दैट द काइंड ऑफ मैच दिस इज एंड बार्सिलोना'स डिफेंसिव फॉर्म, तो विनीशियस को पिक करना काफी मुश्किल हो जाएगा इस मैच में। हालांकि विनीशियस होप कर रहे होंगे कि इस बार भी वो ट्रेंट के अगेंस्ट अप अगेंस्ट होते तो मैं पक्का लेता विनीशियस को, बट ट्रेंट यहाँ पे है नहीं, बट इस मैच में कर पाएंगे या नहीं अगेंस्ट दिस डिफेंस इज अ क्वेश्चन जिसका आंसर हमारे पास नहीं है। नाउ राहुल वेलवर्डे इज ऑलवेज अ ग्रेट ऑप्शन, हमें पता है कि बार्सा राइट हैंड साइड पे थोड़ी ज्यादा डिफेंसिवली बेटर है, लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा एबर्ट से वल्नरेबल है, क्रिस्टेंसन इज नॉट एज गुड एज अराउहो एंड बाल्डे ऑब्वियसली हमें पता है काफी अटैक करते हैं। सो आई थिंक वेलवर्डे ऑन द राइट इज समवन जिनको काफी जॉय मिल सकता है, सो आई डेफिनेटली रेकमेंड कि उन्हें पिक करें अपनी टीम में। मिडफील्ड भी आते हैं यहाँ पे, देखो कामविंगा है, चुआमिनी है, लुका मॉड्रिच है, टोनी क्रूज भी आ सकते हैं। अगर क्रूज खेलते हैं सो maybe Kamavinga can shift as left back. There is also a chance ki Kamavinga, Cruz aur Modric khele aur Chouameni drops out of the team as well. So yahan pe midfield mein Rahul agar aap poochu main, let's say ki hum jo on the field aap dekh rahe currently Kamavinga, Chouameni aur Luka Modric, to in teenon ko aap as fantasy assets kaise rate karenge? I think I'll rate them in the order of experience. To Modric mere liye ban jayenge first pick, ekdam reliable midfield option rahenge aapke liye, midfield se games control karte hain, I think passing ke bharpur points denge और लॉन्ग रेंज गोल भी काफी पसंद है लुका मॉड्रिच को, बिग गेम प्लेयर है, तो आई थिंक ये मैच में अच्छा मौका रहेगा मॉड्रिच को अपना क्लास दिखाने का, तो फर्स्ट पिक मेरे रहेंगे मॉड्रिच के मिडफील्ड से लुका मॉड्रिच। अगर टोनी क्रूज खेलते तो मैं बोलता था शायद क्लोज होता था बिटवीन क्रूज एंड मॉड्रिच, बट शायद क्रूज स्टार्ट ना करे और मॉड्रिच हमें लगता है कि मोस्ट लाइकली ही विल स्टार्ट, तो मॉड्रिच बन जाएंगे क्रूशियल पिक मॉड्रिच के मिडफील्ड से। बिल्कुल, और चुआमिनी कामाविंगा में इट्स वेरी वेरी क्लोज, बट मुझे लगता है कि चुआमिनी वर्ल्ड कप के बाद इंजरी पिकअप करी थी, ऑब्वियसली उन्होंने पेनल्टी भी मिस करी थी इन द फाइनल, सो मुझे लगता है कि थोड़ा मेंटली भी रिकवर नहीं कर पाए हैं अपने सेम लेवल पे। कामाविंगा इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो उसके बारे में आई थिंक मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, बट आई थिंक ये एक प्लेयर है जिसके ऊपर आप पंट ले सकते हैं। डिफेंस पे राहुल मैं तो काफी स्ट्रेस करता हूँ बार बार हर मैड्रिड वीडियो में कि सेंटर बैक्स को मैं ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ एज कम्पेयर टू द फुल बैक, सो मुझे हमेशा रुडिगर और मिलिटाओ मोर ट्रस्टेड ऑप्शन लगते हैं एज कम्पेयर टू द फुल बैक्स। कारवाहल ऑफकोर्स राहुल आप अग्री करेंगे इज नॉट द सेम प्लेयर एनीमोर जो पहले हुआ करते थे व्हेन ही वाज मोरोडिंग डाउन द राइट फ्लैंक एंड गिविंग अ लॉट ऑफ क्रॉसेस, क्रिएटिंग लॉट ऑफ चांसेस, प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ असिस्ट, ही इज डेफिनेटली नॉट द सेम प्लेयर एनीमोर। इनफैक्ट वो नॉर्मली 90 मिनट्स भी कंप्लीट नहीं करते हैं, नॉर्मली लूकस वास्केस टाइप का प्लेयर उन्हें रिप्लेस कर देता है। लेफ्ट बैक में नाचो आई थिंक वुड बी इंटरेस्टिंग बिकॉज राफिनिया इज अ प्लेयर जो काफी ड्रिबल करते हैं, सो मुझे लगता है कि नाचो एटलीस्ट थोड़े आपको टैकलिंग पॉइंट्स डिसेंट दे सकते हैं। बार्सिलोना के पास कोई नेचुरल लेफ्ट विंगर तो है नहीं, तो मुझे लगता है कारवाहाल को बहुत टैकलिंग अपॉर्चुनिटीज मे भी नहीं मिलेगी इन दिस मैच। अब बात करते हैं कोर्टवा की वेरी ब्रीफली राहुल, तो अगर आप गोलकीपर पे आते हैं टर स्टेगन कोर्टवा, आपके अकॉर्डिंग ज्यादा सेव्स कौन कर सकते हैं दिस मैच? आई थिंक सिंस दिस मैच इज प्लेड एट द कैंप नू, बार्सिलोना होम पे है और जिस तरह के फॉर्म में है वी बिलीव कि बार्सिलोना ज्यादा अटैक करेगी, तो कोर्टवा वुड बी द बेटर ऑप्शन जो आपको ज्यादा सेव पोटेंशियल दे सकते हैं इस मैच में। और मैड्रिड हैज टू कम आउट एंड प्ले, क्योंकि मैड्रिड जैसे हमने बात की 9 पॉइंट पीछे बार्सिलोना से 13 मैचेस है, तो अगर ये मैच नहीं जीतता है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मैड्रिड के लिए तो वो गैप रिकवर करने का, तो ये मैच में उन्हें आके अटैक करना ही पड़ेगा, स्पेसेस छोड़ेंगे और आई थिंक दैट विल गिव अपॉर्चुनिटीज टू बार्सिलोना की ज्यादा शॉट्स ले, शायद स्कोर भी करे ज्यादा, बट एटलीस्ट सेव पोटेंशियल कोर्टवा को बहुत अच्छा मिल सकता है इस मैच। एब्सोल्युटली, चलते राहुल अब बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन देखने जिसके लिए ऑब्वियसली बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं उतावले हैं बिकॉज काफी क्रूशियल मैच है दोनों टीम्स के लिए एंड फैंटेसी वाइज अगर आप इसे रीड कर सकते हैं प्रॉपरली देन आई थिंक यू कैन विन अ लॉट ऑफ कैश। सो दिस इज द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट राहुल वंस अगेन द बिग क्वेश्चन इज कि विनीशियस को लेना है या नहीं लेना है एंड वी हैव ड्रॉप्ड विनीशियस फ्रॉम आवर टीम। रीजनिंग ऑब्वियसली हम दे चुके हैं कि अराउहो और कुंडे
कि अगेंस्ट विनिशियस ने नॉर्मली इन द पास्ट थोड़ा स्ट्रगल किया है, एटलीस्ट वो सेम इम्पैक्ट नहीं ला पाए हैं जो पहले लाया करते थे. सो मे बी दैट इज द रीजन वाई हमने उनको इस मैच में नहीं पिक किया है ओवरऑल. लेकिन राहुल आई थिंक एक मेरा सवाल ये था आपसे कि अगर आप एक रिस्क टेकर हैं और अगर आप लेट्स से विनिशियस को लाना चाहते हैं टीम में, तो आप इन तीनों में से कौन सा प्लेयर ड्रॉप करेंगे? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होगा, जैसे आपने पहले ही बताया मैं शायद लेवेंडोव्स्की ड्रॉप कर देता, बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क हो जाता, बट मैं कंसिडर करता अगर मुझे लग रहा है कि मैड्रिड जीतेगी, 2-3 गोल मारेगी, तो मैं पक्का लेवेंडोव्स्की ड्रॉप करके विनिशियस ले आता इस टीम. दिस एक्चुअली माइट बी द वे टू गो इन दिस मैच, मेरे को भी एक्चुअली लगता है. नाउ लेवेंडोव्स्की वंस अगेन इज समवन फॉर्म वाइज इन चारों प्लेयर्स में से सबसे पुअर फॉर्म उन्हीं की है. हमें ये भी बताया राहुल की लेवेंडोव्स्की अगर गोल स्कोर नहीं करते हैं, असिस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उनके नॉर्मली जो बेस पॉइंट्स हैं वो भी बहुत हाई नहीं होते हैं. सो एक्चुअली ड्रॉपिंग लेवेंडोव्स्की माइट नॉट बी इतना वाइल्ड जितना सुनने में लग रहा है, बट रिस्क डेफिनेटली होगा बिकॉज आई स्टिल फील कि ही विल बी ईदर द मोस्ट और द सेकंड हाईएस्ट कैप्टेंड प्लेयर इन दिस मैच, लेट अलोन नॉट कैप्टनिंग हिम, बट उनको टीम में ही नहीं रखना ऑब्वियसली काफी रिस्की हो सकता है. सो आई वुड से कि ये जो फ्रंट लाइन है दिस इज द वन जिसमें जो हम रेकमेंड कर रहे हैं, बट आप लेवेंडोव्स्की को हटा के अगर विनिशियस लेते हैं दैट इज ऑल्सो समथिंग जो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं. बट दिस ऑल्सो मीन्स राहुल कि हम राफीनिया को काफी ज्यादा रेट कर रहे हैं इन दिस मैच, दैट इज आई थिंक द क्रक्स ऑफ दिस फॉरवर्ड लाइन. मिडफील्ड पे आते हैं, यहाँ पे हमने एक प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड मिडफील्ड ली है जिसके बारे में आई थिंक बहुत लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. वैलवर्डे आई थिंक इज मेरे ख्याल से मस्ट हैव पिक इन दिस मैच बिकॉज ऑफ हिज अटैकिंग पोटेंशियल. फ्रेंकी डे यॉन्ग राहुल आपने मेंशन किया था, ही इज अ कंप्लीट प्लेयर बार्सिलोना के लिए. अब मल्टीपल एवेन्यूज आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, फ्रॉम पासेस, चांसेस क्रिएटेड, गोल थ्रेट भी है, असिस्ट पोटेंशियल है, एंड डिफेंसिवली ऑल्सो ही इज नॉट अ बैड ऑप्शन. लुका मॉड्रिच इज आई वुड से स्टिल इन तीनों में से द वन जो जिसको आप मे बी ड्रॉप कर सकते हैं प्योरली बिकॉज ऑफ हिज एज. इस टाइप ऑफ मैच में कितना इन्फ्लुएंस वो कर सकते हैं आफ्टर प्लेइंग सो मेनी मिनट्स पहले भी चैंपियंस लीग में भी, ये मेरा एक सवाल है लुका मॉड्रिच के ऊपर. अदरवाइज ऑब्वियसली अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पे खेलते हैं देन आई थिंक ही इज अ ग्रेट ऑप्शन, बट थोड़ा मुझे लगता है कि बार्सिलोना की मिडफील्ड इनको स्टाइफल कर सकती है. सो लेट्स से अगर आप मॉड्रिच को ड्रॉप करके गावी टाइप के प्लेयर को टीम में लेते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा और रिस्क लेके लेट्स से कामाविंगा को लेते हैं या क्रूज को भी लेते हैं, इज एन ऑप्शन जो अपनी टीम में रख सकते हैं. राहुल आते हैं डिफेंस पे. नाउ आपने अपने रेट करे थे बार्सिलोना डिफेंस को, तो हमने उनको सारो को पिक किया है. अराउहो इज हेयर, बाल्डे इज हेयर, कुंडे इज हेयर, एंड हमने पिक किया है एडर मिलिटाओ को. So, इस डिफेंसिव कॉम्पोजिशन पे जो हमने चूज किया है, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड दिस? सो बार्सिलोना का जो डिफेंसिव रिकॉर्ड है, जैसे आपने बताया घर पे सिर्फ एक गोल कंसीड किया है, सो वी हैव गॉन फॉर 3 बार्सिलोना डिफेंडर्स, और उसमें भी आपको बाल्डे और अराओ अच्छा खासा अटैकिंग थ्रेट देते हैं इन डिफरेंट वेज. बाल्डे आपको असिस्ट पोटेंशियल देते हैं, अराओ आपको सेट पीस थ्रेट देते हैं, ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है बट डिसेंट इनफ सेट पीस थ्रेट है, और कुंडे आपको थोड़ा असिस्ट पोटेंशियल देते हैं अगर वो राइट बैक खेलते हैं तो. और मैड्रिड के डिफेंस से वी हैड वन स्लॉट टू पिक अ मैड्रिड डिफेंडर, हम गए हैं मिलिटाओ के लिए. मिलिटाओ का गोल स्कोरिंग सीजन काफी अच्छा चल रहा है, मिलिटाओ रूडिगर में से काफी क्लोज था, बट आई थिंक वी हैव गॉन फॉर मिलिटाओ का गोल थ्रेट ज्यादा अच्छा है. दिस इज हाउ वी नैरोड डाउन टू द 4 पिक्स इन डिफेंस. एब्सोल्युटली आई वुड से कि अगर लेट्स से आप 2x2 जाना चाहते हैं, तो मे बी समवन लाइक कुंडे को ड्रॉप करके आप रूडिगर को भी ले सकते हैं. दैट इज नॉट समथिंग जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए. गोलकीपर एज राहुल मेंशन कोर्टवा को पिक किया है. I think both teams, Madrid have to go for it. If they go for it, does not mean कि actually बहुत ज़्यादा shots on target लेगी. इसका मतलब ये हो सकता है कि Barcelona को counter attack पे काफी ज़्यादा opportunities मिल सकती है in this match. And Courtois जो है counter attack पे one on one situations में he's such a good goalkeeper. In fact, Ter Stegen is also a very good one on one goalkeeper. So very very close goalkeeper की अगर बात करेंगे, but I think time and again मैंने देखा है कि Courtois El Clasicos में big occasions पे he does really really well और काफी saves करते हैं. So very very interesting. गोल कीपर कौन पिक करना चाहिए. राहुल कैप्टेंसी की बात करते हैं, हमने कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी नहीं पिक की है, बट आपके हिसाब से अगर पर्सनली आपको अगर कैप्टन या वाइस कैप्टन करना होगा तो आप किसे करेंगे? तो बहुत ही मुश्किल है इस मैच में, क्योंकि बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस और कोई रिलायबल गोल स्कोरर इस मैच का प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, बट इफ आई हैड टू चूज अ कैप्टन मैं बेंजेमा को कैप्टन करता और वाइस कैप्टन में रफीनिया. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अगर मैं अपना कैप्टन चूज करना चाहूँ, अगेन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट मैं भी बेंजेमा के साथ जाऊंगा. आई जस्ट फील कि वो रिलायबल बहुत है, और अगर मुझे वाइस कैप्टन करना होगा तो मैं भी इस मैच में राफीनिया को वाइस कैप्टन करूंगा. दैट जस्ट शोज यू कि कौन सा प्लेयर्स को हम करंटली ट्रस्ट करते हैं, कौन सा प्लेयर्स का फॉर्म ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे कॉम्बिनेशन में भी है और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में भी है. सो एल क्लासिको बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने वाला है, वेरी वेरी ह्यूज मैच ऑफ कोर्स. एंड थैंक यू राहुल फॉर ज्वाइनिंग टू प्रीव्यू बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड. Thank you all for joining as well, for watching this video. Hopefully, आपको ये देख के थोड़ा सा हेल्प मिला होगा
अपनी फैंटेसी टीम बनाने में. लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो क्या आपका स्कोर लाइन प्रेडिक्शन है फॉर बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच. स्टे सेफ एंड वी विल सी यू सून. चीयर्स गाइस.